गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई की सबके सुख व मंगलमय जीवन की कामना। कहा, प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है मकर संक्रांति। पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए है व्यापक इंतजाम। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह 4 बजे चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी। बाबा का विधिवत पूजन कर की लोक मंगल की कामना। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी निवेदित करने उमड़े लाखों श्रद्धालु। मकर संक्रांति के अवसर पर भारी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। परिवार के सुख समृद्धि की गुरु गोरखनाथ से की कामना। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कैंप का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया शुभारंभ। कहा, खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ 26वीं वाहिनी पीएसी आपदा शकी व स्वयं सेवकों की लगाई गई है ड्यूटी। सभी आपदाओं से निपटने के लिए है तैयार आपदा प्रबंधन विभाग। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन। जिला महिला अस्पताल में रोजाना 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले टीके का नियमित टीकाकरण अभियान का सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अपने हाथ से लगाया एक बच्चे को टीका। कहा, सुरक्षित व असरदार है सरकारी अस्पताल का टीका। 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन लगेंगे टीके। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के झूलों का जमकर उठाया लुत्फ। और मकर संक्रांति के अवसर पर विशिष्ट जनों ने प्रदेशवासियों को दी खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, लाखों नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाते हैं आस्था की खिचड़ी। सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है खिचड़ी का पावन पर्व। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना, प्रकृति की पूजा करने व उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नामों और रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज और अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह व उमंग से प्रारंभ हो चुका है तो गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव अवतार भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आए हुए हैं। जगत पिता सूर्य से प्रदेशवासियों के शुभ व मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व पर सूर्य देव का उत्तरायण होना हर प्रकार के सुख और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए शुभ तिथि मानी गई है। आज से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होंगे। इस पवित्र पर्व पर प्रयागराज और गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अन्य तीर्थों जैसे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कछला घाट, मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ, काशी आदि तथा हर पवित्र नदी सरोवरों पर लाखों श्रद्धालु स्नान दान से जुड़कर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के पर्वों पर स्नान दान का अपना विशेष महत्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने सभी प्रकार के इंतजाम किए हैं। गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति दिन भर आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाएगी। मकर संक्रांति पर परंपरागत आयोजनों का भी शुभारंभ हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर में एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। यहां पर भी श्रद्धालु जन की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जगत पिता सूर्य संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं। उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर बनी रहे। विश्वास है कि सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है, तो गोरखपुर में श्यवतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेशवासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की
एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश, यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर राशि, वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे, वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं, आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में या अन्य तीर्थों में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कछला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महात्म्य है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालुजनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत पिता इस सूर्य के सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं, उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर, हर एक श्रद्धालु पर बनी रहे और उत्साह उमंग के साथ वे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी सबकी प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह 4 बजे शिव अवतार गुरु गोरखनाथ को नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार पुण्य काल में आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। उसके बाद नेपाल राजवंश की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई, फिर नाथ योगियों साधु संतों ने खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ मंदिर के गर्भगृह के पट को आमजन के लिए खोल दिया गया और लोक आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने की शुरुआत हो गई। लाखों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं के खिचड़ी चढ़ाने और मंगल कामना का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार जमीन पर बैठकर पवित्री एवं सिंगी नाद से सीटी बजाकर भगवान गुरु गोरखनाथ को प्रमाण कर आदेश लिया।
फिर विधिवत पूजन कर गोरक्षपीठ की ओर से खिचड़ी चढ़ाई। उसके बाद त्रेतायुग से प्रज्वलित अखंड ज्योति का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शिव अवतार गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाने लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच गोरखनाथ मंदिर में उमड़े रहे। सुख समृद्धि एवं आरोग्य की मंगल कामना को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों और पड़ोसी राज्य नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने रविवार की सुबह 4 बजे के बाद कतारबद्ध होकर गुरु गोरखनाथ को श्रद्धा की खिचड़ी निवेदित की। उसके बाद मंदिर परिसर में स्थित सभी देवी देवताओं के विग्रहों का पूजन कर ब्रह्मलीन महंत बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा था। जयकारे की एक लहर थमती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती। गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला लोक श्रद्धा भाव के साथ सामाजिक समरसता का भी मेला है। अमीर गरीब सभी नंगे पांव कतारबद्ध होकर बारी बारी भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे थे। कोई मुट्ठी भर श्रद्धा का चावल लेकर आ रहा था तो कोई बोरी भर, लेकिन भगवान के प्रति भाव सभी का उतना ही था। ना जाति का बंधन था ना धर्म का। शुक्रवार की रात से ही श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंच गए थे। रविवार को यह संख्या लाखों में हो गई। सुबह 4 बजे ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर परिसर से बाहर सड़क तक लग गई थी। अलग अलग गेट और बैरिकेडिंग से श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला जा रहा था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा व सहूलियत को लेकर मंदिर व जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। रविवार को मंदिर परिसर में श्रद्धा के साथ सभी श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद सहभोज में वितरित किया गया। अमीर गरीब जाति वर्ग का भेदभाव भुलाकर सबने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में आमंत्रित अतिथियों के लिए भी सहभोज का आयोजन किया गया। Yeah.
गोरखनाथ मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान प्रशासन द्वारा गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। मंदिर के गेट से श्रद्धालुओं को लाइन लगाने के लिए स्वयं सेवक व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करवा रहे थे तथा मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं की गहनता से जांच की जा रही थी। उसके बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने दिया जा रहा था। वहीं श्रद्धालु लाइन में लगते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के आगमन के लिए रूट को डायवर्ट किया गया था, जिससे कि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा ना हो। जिसके संबंध में मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने का पर्व वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग अपने माता पिता के साथ बचपन में ही मंदिर आकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते थे और अब भी आ रहे हैं।
सनातन हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का एक विशेष महत्व है। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों से भी लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जो कि गोरक्षपीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खिचड़ी चढ़ाने के बाद ही श्रद्धालुओं को खिचड़ी चढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। श्रद्धालु लाइन में लगकर भोर से ही खिचड़ी चढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के फिक्र करते हैं और समय समय पर भ्रमणशील रहकर देखरेख करते हैं। मंदिर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु प्रदीप कुमार सिंह, मनोज सिंह, नित्या पांडे, सुमन तिवारी, मंजू तिवारी, सविता देवी, रीना निगम, श्यामली सिंह, विकास कुमार यादव, प्रेम सागर और आयुष जायसवाल ने कहा। ऐसा है, आपकी कवरेज में भी कहते जैसे आपका नंबर आता है, आपको आगे बढ़ने के लिए स्वयं सेवक कहते हैं। आप आगे बढ़ करके शिवावतारी भगवान गुरु को श्रद्धा विश्वास की खिचड़ी चढ़ावे, खिचड़ी को इधर उधर गोरखनाथ जी के चरणों में ही चढ़ावे। आप सोचे, आप पूरे वर्ष भर यह मन में मनोकामनाएं आगे बढ़ते रहे। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को अपनी खिचड़ी सत्तांग विश्वास की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी श्रद्धा और विश्वास की या इससे भी आप सौभाग्यशाली है। कृपया ध्यान दें, छोटी बड़ी तौले वाले भी वस्तु के जाने वाले हैं। माता जी, गौ माता जी, भारत माता जी, भारत माता जी। आप धीरे धीरे खिचड़ी को इधर उधर न फेंकें। खिचड़ी शिवावतारी भगवान गोरखनाथ जी के चरणों में ही चढ़ावे। आप सोचे, आप पूरे वर्ष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आप कमलेश जनाब सीताराम सुमान सुमान डाटा प्रसंत सुमान पुत्री प्रसंत सोन वर्षा नेपाल की रहने वाली है। मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश करें, जैसा स्वयं सेवक आपसे बताते हैं, डेढ़ प्रकार से तंत्र के तरफ से की गई है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ें,
आप लिखती थी, आपका महिला थाने में इंतजार कर रहे हैं, शिवलोन उधर जगदीश। आगे बढ़ करके जगदम्बा पार्वती का पर आ जाए। आपके पुत्र प्रियांशु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान मंदिर के सामने जहाँ कहीं भी हो कैसे क्या निवासी चकिया थाने पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नंदलाल गुप्ता प्रतीक्षा कर रही है। किसी भी जाना है, कितने बसों से? यहाँ से लगभग 11 बसों से। कहाँ से? अयोध्या, मिर्चीपुर अयोध्या से। कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है। क्या मान्यता है यहाँ? मान्यता हम लोग मानते हैं मान्यता पूरा होता है, इसीलिए हम लोग बराबर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं बाबा? बाबा को आज के दिन तो हम लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, खिचड़ी हो गया, हल्दी हो गया, और अपना प्रसाद के तौर पर प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। मनोज सिंह कितने वर्षों से? करीब 11 वर्ष हम लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ? हम लोग जो मानते हैं पूरा हो जाता है, कोई आज तक हम लोग जो माने हैं यहाँ पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है। कहाँ से हम लोग आए हैं? कुमारगंज अयोध्या। नित्या पांडे। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रही है? किसी से कितने सालों से खिचड़ी चढ़ाने आ रही है? अभी पहली बार आया मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब श्रद्धा थी मन में थोड़ा सा। क्या मान्यता है? मान्यता बहुत कुछ है, प्रिपरेशन करते हैं उसको निकालना है, और परिवार का मान्यता। कहाँ से आएंगे? भटनी से। अभी सुनो तुम्हारे कहाँ से आएंगे? मैं बहुत टाइम से आती हूँ, मुझे करीब यहाँ 25 साल हो गए आते हुए, और जब भी मैं गोरखनाथ मंदिर में, आज के दिन का खिचड़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खिचड़ चढ़ाने से बाबा की विशेष कृपा रहती है अपने भक्तों पर, और पूरे गोरखपुर पर उनकी कृपा बनी रहे। बस इसी प्रार्थना के लिए हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ। और मैं गोरखपुर की समृद्धि का वरदान मांगा है कि बस ऐसे ही बना रहे और आपका नाम ऐसे ही बढ़ता रहे, और हम लोग सभी सुख शांति से रहें। पूरे देश में सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तिवारी हूँ आपका? मंजू तिवारी। कहाँ से? बनारस से आई हूँ भगवान का खिचड़ चढ़ाने। बहुत महत्व सुनी थी तो मैं भी दर्शन करने आई हूँ। भगवान का नाम यहाँ गोरखनाथ बाबा का, तो यहाँ आई चढ़ाने में बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। सविता देवी दूसरा साल है। क्यों मनाया जाता खिचड़ी? कुछ मान्यता होती है तभी तो आप लोग क्या बोलो वहाँ से बोलो बोलो बोला हम ज्यादा दिन से नहीं आ रहे, 3 साल से आ रहे हैं। क्या मान्यता चढ़ाते हैं? तीसरा साल है जी। जी मेरा श्यामाली सिंह, कल पहला बार है मेरा। क्या मान्यता है, क्यों मनाया जाता है? जी तो गोरखनाथ बाबा की वजह से माना जाता है, तो खिचड़ी चढ़ाया जाता है इसलिए माना जाता है। ये भी बताया जाता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है? जी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी वो तो पूरी होती है, पर उसे मानना नहीं है ना, वो तो ऊपर वाला खुद ही देगा। मनोकामना तो पूरी होती है। श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण जी महाराज पीठाधीश्वर श्री प्रिया प्रारंभिक सभा धर्मपुर। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। देखिए शिव महाअवतारी गुरु गोरक्षनाथ भगवान को आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर
देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गुरु गोरक्षनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, और खिचड़ी चढ़ाने से हम और आप सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये हमारा और आपका सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम और आप सभी को गुरु गोरक्षनाथ भगवान को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने का एवं उनको प्रणाम कर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के गुरु गोरक्षनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। देखिए आज क्या है कि आज हमारे सूर्य जो वक्री होते हैं, तो सूर्य वक्री जब होते हैं तो आज खिचड़ी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे चावल का होता है तो हमारे सृष्टि का सबसे प्रथम अनाज है चावल, और चावल का खिचड़ी दान होता है, तो चावल का सर्वोत्तम सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए हम लोगों को चावल चढ़ाकर खिचड़ी का दान करना चाहिए। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने गोरखपुर के इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से और नेपाल के तराई क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से लाखों की संख्या करीब 8 से 10 लाख लोग 8 से 10 घंटे के भीतर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि बाबा गोरखनाथ जी गोरखपुर में एक भिक्षाटन करते हुए पहुंचे थे और लोग भिक्षा के रूप में उन्हें उस समय अन्य चावल दाल वगैरह देते थे, तो वही परंपरा आज भी चल रही है क्योंकि बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी को भिक्षा के रूप में एक प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि हर घर से चाहे गरीब हो अमीर हो ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के हर वर्ग के लोग किसी भी जात का हो तो सामाजिक समर्थता और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई अगर कैपेसिटी उसकी एक मुट्ठी चावल की है तो लेके आता है, कोई एक बोरा वो भी लेके आता है, तो हर तरह के लोग हर वर्ग के लोग यहाँ पे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। और हम सब लोगों के लिए ये गर्व का विषय है कि श्री गोरखपीठ एक सामाजिक समरसता का इतना अनूठा उदाहरण आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर से जब खिचड़ी चढ़ती है यहाँ पे आप देखें कल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था, कोई एक मुस्लिम महिला अपने बालक से बिछड़ गई थी तो अनाउंसमेंट होकर उनको मिलवाया जा रहा था, तो हम लोगों को उस अनाउंसमेंट से पता चला कि इसमें कुछ मुस्लिम लोग हैं जो भी खिचड़ी चढ़ाने आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप में सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण जो बाबा गोरखनाथ का खिचड़ी का योजना है। मैं सामाजिक समरसता के इस महापर्व में सभी श्रद्धालुओं को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति महापर्व बाबा गोरखनाथ उनके जीवन को सुखद बनाए और लोगों का भविष्य स्वस्थ रहे, उनके घर परिवार स्वस्थ रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला देखते हुए भीम सरोवर के समीप कैंप को स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने किया, जिसके संबंध में उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट रविंद्र प्रताप शाही ने बताया कि खिचड़ी मेला में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा के दृष्टिगत NDRF SDRF 26वीं वाहिनी PAC की जल पुलिस, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा विभाग के मित्र सखी एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। स्थापित कैंप के माध्यम से जन समुदाय के मध्य घटित होने वाली आपदाओं जैसे बाढ़, अग्निकांड, ब्रजपात, सर्पदंश, भूकंप, शीतलहर, नाव दुर्घटना आदि के दौरान क्या करें व क्या ना करें विषय पर हैंडबिल वितरण व वीडियो फिल्म लघु वृत्त चित्र के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आपदा मित्र सखी पर आधारित लघु वृत्त चित्र का अनावरण किया और आपदा मित्र व सखी से अपील किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय के मध्य आपदा न्यूनीकरण से संबंधित सूचनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर ADM फाइनेंस व जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने कहा। ये कैंप लगाने का जो उद्देश्य था ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देश दिया गया था कि ऐसा कैंप लगाया जाए जिससे अवेयरनेस भी फैले और अगर कोई ऐसी आपदा हो जाए खुदा न खास्ता
वो उसको जल्द से जल्द जो है कंट्रोल में करते हुए जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट या जिस तरह की भी उनको सुविधा देनी है उसको प्रदान किया जाए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बताया था कि एक ऐसा कैंप लगाइए जिससे जनता को अवेयरनेस भी मिले और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी हो। तो दोनों काम इस के हमने उनको उद्देश्य लेकर चले थे हम और जो आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से पहनी हुई है ADMFR गोरखपुर के नीचे और उसकी सफलता का यहाँ पे नजर आ रही है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमारी प्रेजेंस से अगर आपदा हट जाए तो उसमें हमारी जीत है और आज हमको वही जीत हासिल होती नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी भी जो आपदाएँ हैं उनसे भी हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं लीफलेट्स के द्वारा बातचीत करके जनता को संबोधित करके जो है और उनको क्या करना चाहिए किस मौसम में क्या नहीं करना चाहिए किस तरीके से NDRF SDRF की सहायता मिल सकती है उनको इन सब चीज़ों के बारे में हम उसको अवगत कराते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई की सबके सुख व मंगलमय जीवन की कामना। कहा प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है मकर संक्रांति। पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए है व्यापक इंतजाम। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह 4 बजे चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी। बाबा का विधिवत पूजन कर की लोक मंगल की कामना। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी निवेदित करने उमड़े लाखों श्रद्धालु। मकर संक्रांति के अवसर पर भारी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। परिवार के सुख समृद्धि की गुरु गोरखनाथ से की कामना। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कैंप का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया शुभारंभ। कहा खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए NDRF SDRF 26वीं वाहिनी PSC आपदा शकी व स्वयं सेवकों की लगाई गई है ड्यूटी। सभी आपदाओं से निपटने के लिए है तैयार आपदा प्रबंधन विभाग। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन। जिला महिला अस्पताल में रोजाना 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले टीके का नियमित टीकाकरण अभियान का CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अपने हाथ से लगाया एक बच्चे को टीका, कहा सुरक्षित व असरदार है सरकारी अस्पताल का टीका। 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन लगेंगे टीके। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के झूलों का जमकर उठाया लुफ्त। और मकर संक्रांति के अवसर पर विशिष्ट जनों ने प्रदेशवासियों को दी खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा लाखों नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाते हैं आस्था की खिचड़ी। सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है खिचड़ी का पावन पर्व। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को तारामंडल स्थित निजी लॉन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया, जिसके संबंध में बसपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार नीरज ने बताया कि 15 जनवरी को हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज के ही दिन हमारी बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है। इसको पूरा देश मना रहा है। बहन कुमारी
कुमारी मायावती का जन्मदिन पूरे देश में मनाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक त्यौहार के रूप में उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं, मायावती जी से बढ़कर इस संसार में कोई मसीहा हमारे बहुजन समाज के लिए नहीं है, इसलिए हम बहन मायावती का जन्मदिन हमेशा ऐसे ही बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में और भव्य तरीके से मनाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार नीरज ने कहा, नीरज जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसको पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में घरों घरों में हम लोग मनाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं इस कार्यक्रम को। ये पूरा उत्साह के साथ पूरा देश मना रहा है, हम सभी लोग उत्साहित हैं। और बहन जी से बड़ा कोई नेता इस मसीहा में हमारे बहुजन समाज के लिए है, इस नाते हम इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं, पूरे देश मनाते हैं। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जिला महिला चिकित्सालय में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को लगने वाले टीके का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में नई सुविधा का शुभारंभ किया गया है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध टीके सुरक्षित और सरदार हैं। यह टीके जिस कोल्ड चेन में रखे जाते हैं उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है और टीकों की गुणवत्ता पर विशेष जोर रहता है। जिला महिला अस्पताल में सभी 7 दिन जबकि 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन टीका लगेगा। रविवार को भी मिलने वाली टीकाकरण की सुविधा से कामकाजी लोग अपने बच्चों को प्रतिरक्षित करवा सकेंगे। जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रहेगा, जबकि शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर अप्रैल से अक्टूबर तक 8 से 2, वही अक्टूबर से मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह सुविधा मिलेगी। टीकाकरण सुविधा सुदृढ़ीकरण में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा और उनकी टीम योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण के अंतर्गत 5 साल में 7 बार बच्चों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। यह टीके 12 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस, मीजल्स,
पर्ट्यूसिस, काली खांसी, रुबेला, जेई, दिमागी बुखार, निमोनिया, वायरल डायरिया और इन्फ्लुएंजा से बचाने में टीकों की भूमिका अहम है। जहां निजी अस्पतालों में इन बीमारियों से बचाव के लिए महंगे दामों पर टीके लगवाने पड़ते हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में इन टीकों की सुविधा पाना सभी का हक है। गर्भवती और किशोर किशोरियों को भी टीबी का टीका लगाने का प्रावधान है। कुसमही बाजार निवासी हेमलता के नवजात भांजे को सीएमओ ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर टीकाकरण का विशेष सुविधा की शुरुआत की। नवजात को BCG और हेपेटाइटिस का टीका भी लगाया गया। हेमलता ने बताया कि नवजात की मां सुमन की ससुराल महाराजगंज के परतावल में है। नवजात की 5 साल की बहन को सभी टीके महाराजगंज में ही लगे हैं। आशा कार्यकर्ता की मदद से टीकाकरण सत्र की सूचना मिलती है और ANM द्वारा टीका लगाया जाता है। गोरखपुर में टीका लगाने के बाद टीकाकरण कार्ड मिला है, जिसकी मदद से बाकी टीके महाराजगंज में ही लग जाएंगे। टीका पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। सीएमओ ने बताया कि कुछ टीकों के बाद बुखार आना स्वाभाविक लक्षण है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही टीकाकरण बंद करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर दवा लेने से यह ठीक हो जाता है। टीका लगने के बाद टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखना चाहिए और नियत समय पर टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक NK श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी किरण बर्नवाल, ARO अजीत सिंह, क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्थ मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, अमित श्रीवास्तव, ANM अनुष्का प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, गुड। एक और ले लो, बस 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 बस। चलो या देवी, बहुत बढ़िया रो दिया। हाँ बस, कुछ नहीं मिला ना। हाँ हाँ टीकाकरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक विशेष टीकाकरण बूस्टर अभियान शुरू किया है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के माह में ये महाअभियान चलाया जा रहा है। इस माह भी हमारा वर्तमान समय में चल रहा है। 0 से 5 साल तक के बच्चों में 12 जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने के लिए महाअभियान शुरू किया गया है। सरकार ने अभी निर्देश ये दिया है कि जितनी भी हमारी अर्बन CSCs हैं और जिला अस्पताल, महिला अस्पताल हैं, यहाँ पर प्रतिदिन टीका लगेगा। अर्बन PSCs पर और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर हमारे ये जो टीके हैं, ये मंगलवार से लेकर के रविवार तक लगाए जाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने आए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से चढ़ने वाले खिचड़ी में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। वहीं श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने और गुरु गोरखनाथ के दर्शन के बाद मेला परिसर में लगे झूले का जमकर लुत्फ उठाया, जहाँ तमाम प्रकार के झूले लगे थे, जिसमें ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, गन शूट शामिल है। मेले में लगी प्रदर्शनी और चल रहे जादू का लोगों ने आनंद उठाया। मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर मेले में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हम कई वर्षों से खिचड़ी का मेला घूमने आते हैं, यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ पर तरह तरह के झूले व तरह तरह की प्रदर्शनी या खाने पीने के स्टॉल और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें
जरूरत के सामान, बर्तन और घर में उपयोग करने वाली चीजें उपलब्ध रहती हैं। श्रद्धालुओं ने कहा, यहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा भव्य मेला हमने अभी तक नहीं देखा। यहाँ तमाम प्रकार के झूले मेले में लगे हुए हैं, जिनका अधिकतम किराया 50 रुपए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु धीरज यादव, आदित्य पांडे, अजय यादव, मनीष ठाकुर ने कहा। सुमन जी, सुमन और किरण बुरेली कमलेश जी आपका इंतजार कर रहे हैं, मेला थाना पे आइए अगर हमारी आवाज आ रही है। सुमन जी मेला को विजय लक्ष्मी जी आप बड़े केंद्र पर कर रहे हैं, आप आवे और अपने पति चेक कर लीजिए। बोलो तब तो
डर तो निकल गया। मेरा नाम मनीष ठाकुर है। खिचड़ी के मेले में हम पहले अपने परिवार के साथ एक बार आए थे और खिचड़ी चढ़ाने के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं गोरखपुर में ही, तो यहाँ पे हर साल पिछले 2 सालों से आ रहे हैं, और इस साल मतलब क्या ही बताएं आपसे, और मेले में कि मतलब क्या बताऊँ आपसे कि कैसा लग रहा है अनुभव, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा इतना इंजॉयमेंट, और ये फिर से गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया हम लोग, वहाँ खिचड़ी चढ़ाने जब गए थे घर से बनवा के आया था हमारे, बहुत ही खुश है हम लोग। कहाँ से आए हैं हम? कुशीनगर से लेमकर बाजार। मेरा नाम अजय यादव है, हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आर डी में पढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पर मेरा सेकेंड ईयर है, जी सी बी एस ई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है, यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ मेरा देखने। मुझे मेरे दोस्तों ने हॉस्टल में बहुत बताया कि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी का मेला बहुत भव्य लगता है, और हमको आने पर अनुभव हुआ कि यहाँ पर इतनी समझ जाए इतनी जनसंख्या आई है, जनसंख्या के साथ साथ प्रशासन भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रही है हर एक चीज से। कोई भी आदमी अगर छूट जा रहा है तो उसको यहाँ पे अनाउंस करवा रही है, तो यहाँ पे समझ जाइए गोरखनाथ मंदिर में बहुत अच्छा मेला लगा है, देखने में बहुत खुशी हो रही है। हम अपनी लाइफ टाइम में शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, अब तक इतने बड़े मेला कभी देखे नहीं है। मैं नाम आयुक्त पांडे, मैं बिहार बक्सर का रहने वाला हूँ। पहला साल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सुना था कि मतलब यहाँ पे मेला में इतना भव्य तरीके से मनाया जाता है, सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी बाबा का मशहूर ही है यहाँ पे कि कैसा क्या है यहाँ पे, मतलब खिचड़ी यहाँ का मशहूर है। धीरज यादव, धीरज जी कितने सालों से यहाँ मेले में आ रहे हैं? ये मेरा पहला साल है यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेला लगा है, और यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मैं पटना बिहार से हूँ, यहाँ डिग्री यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी कर रहा हूँ। सूरज जी बताइए आपका यहाँ कितने दिन लगे? कम से कम 12 लगे। कौन कौन से जिले? बिरगदान जिला है, सलेम्बो जिला, नाव जिला, रेंजा जिला, टावर हवाई जिला, बैगन जिला। इसके बाद नए कौन कौन से जिले लगे हैं? 2 जिले नए आए हैं, रेंजा, टावर। गरीबान का है 50 रुपये, सलेम्बो का है 50 रुपये, नाव का है 50 रुपये, पैगन का भी 50 है, और बड़े वाले झूले का है 40 रुपये। एक बार में कितनी कैपेसिटी होती है बैठने की लोगों की? एक झूले में कम से कम 40 आदमी बैठते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को खिचड़ी की शुभकामना दी, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति देश का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको देखते हुए नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खिचड़ी पर्व सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति एवं पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि यहाँ पर पूरे देश भर से श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से ही खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी रहा, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ाते हैं।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, राष्ट्र बदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी एवं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्मिता चंद ने कहा। मैं अमित शंकर, आदि योगी के अवतारी पुरुष नाथ योगी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के इस खिचड़ी के मेले में सामाजिक समरसता का जो माहौल मैं देख रहा हूँ ये अभूतपूर्व है और लोगों में बहुत ही उत्साह, उमंग, उल्लास भरा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद मिले। जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी। खिचड़ी का पर्व वैदिक काल से ही, सनातन काल से ही सामाजिक समरसता का यह पर्व रहा है और इसको यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पे आज गुरु हमारे गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि पर उन्होंने यहाँ खिचड़ी के अलग जगाया करके आज ऐसा ये महोत्सव के रूप में यहाँ खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है और इसकी मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रमंडल समिति की तरफ से पूरे गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के वासियों को खिचड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अस्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा जी। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ बाबा की ये जो है पावन तपोभूमि है और यहाँ पे खिचड़ी का बहुत ही महत्व है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तब जो है तब से अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आकर के जो खिचड़ी चढ़ाते हैं और आज आप देख भी रहोगे यहाँ पे जो है दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत ही दूर दूर से आते हैं। मैं आपको बता दूँ, नेपाल से तक चल कर के लोग यहाँ पे आते हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए और इसका यहाँ पे बहुत ही महत्व है और हम सब लोग जो है यहाँ पे काफ़ी समय से, लंबे समय से आते हैं। खिचड़ी में चावल होता है, उड़द की दाल होती है, काला तिल होता है, हल्दी होता है और आपके ऊपर है जो जो चीज़ चढ़ाइए। पैसा भी है। मकर संक्रांति हमारे गोरखपुर का सबसे बड़ा उत्सव है और ख़ास करके गोरखनाथ की तपोभूमि पर, और हम लोग पिछले 50 साल से यहाँ आते जा रहे हैं और खिचड़ी की जो मानवता थी, मान्यता है और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये महाराज जी की देन है कि हिंदुत्व में लोग जुड़ रहे हैं और इतनी आस्था है कि कोई हिसाब नहीं है। कल से ही लोग सवेरे 12 बजे से 14 तारीख के 12 बजे रात से शुरू हो गया खिचड़ी चढ़ाना। आज भी देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगी सभी लोगों और चाहूँगी कि जनता इसी तरह से जुड़ी रहे और अपनी आस्था गोरखनाथ जी के ऊपर रखे। गोरक्षनाथ की धरती पर मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों की, सजनवा विधानसभा की तरफ से, गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का पावन पर्व भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के श्रद्धालु यहां आते हैं। 14 तारीख से ही खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जन गोरखपुर की धरती पर आए हैं। मैं सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं का भगवान गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिस प्रकार से यहां दो दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं इस पूरी व्यवस्था को, चूँकि गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, पूरी व्यवस्था को स्वयं देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं और सब लोग प्रसन्न मुद्रा में आकर के यहाँ बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और सुख शांति पूरे देश में हो, प्रदेश में हो, सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, इसकी कामना भगवान गोरखनाथ जी से सब लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से देश के समस्त नागरिकों को मकर संक्रांति के पवित्र पर्व जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है, इस पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। ये सबके सुख व मंगलमय जीवन की कामना। कहा, प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है मकर संक्रांति। पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए है व्यापक इंतजाम। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह 4 बजे चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी। बाबा का विधिवत पूजन कर की लोक मंगल की कामना। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी निवेदित करने उमड़े लाखों श्रद्धालु। मकर संक्रांति के अवसर पर भारी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। परिवार के सुख समृद्धि की गुरु गोरखनाथ से की कामना। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कैंप का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया शुभारंभ। कहा, खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ 26वीं वाहिनी पीएसी आपदा शकी व स्वयं सेवकों की लगाई गई है ड्यूटी। सभी आपदाओं से निपटने के लिए है तैयार आपदा प्रबंधन विभाग। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन। जिला महिला अस्पताल में रोजाना 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले टीके का नियमित टीकाकरण अभियान का सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अपने हाथ से लगाया एक बच्चे को टीका, कहा सुरक्षित व असरदार है सरकारी अस्पताल का टीका। 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन लगेंगे टीके। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के झूलों का जमकर उठाया लुफ्त। और मकर संक्रांति के अवसर पर विशिष्ट जनों ने प्रदेशवासियों को दी खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, लाखों नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाते हैं आस्था की खिचड़ी। सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है खिचड़ी का पावन पर्व। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।